दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे हमेशा की तरह ये जरूर कहना चाहेंगे कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। डिसाइड कर ले क्या चाहिए, पत्नी की पति या करोड़पति? जबलपुर या सिंगापुर? समझ आ रहा है? फैलाना या हजारों को रोजगार देना? यूट्यूब में फिजूल की चीजें देखना या खुद यूट्यूब की स्मार्ट वेल स्टार बन के रहना? लोगों को ठेंगा दिखाते रहना लाइक, या तेरे एक फोटो में हजारों लाइक आएगा वो चाहता? तो तन मन धन दिमाग लगा के इधर काम कर, 5 साल बाद पता चल जाएगा कौन क्या है। अब आप लोगों को पीछे से दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? या फिर ऊपर जाओ पहले, दिखाई दे रहा है ना? Yes. ऊपर 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 ले लू तो ठीक है, ठीक है। 2.7 lakhs महीना इनकम, 20,000। हेलो, समझ आ रहा है? Yes. हफ्ते का 3-4 स्टेप बनने लगा। हेलो, समझ आ रहा है? Yes. ज्यादा नहीं, एक बाइक खरीदा पल्सर 150 ब्लू कलर, एक लैपटॉप, साथ में जैसा अभी चल रहा है थाईलैंड का ट्रिप SPL, उसी टाइम चल रहा था एक फॉरेन ट्रिप सिंगापुर, कॉलेज का फाइनल ईयर पढ़ाई कर रहा हूँ, कॉलेज का फाइनल ईयर पढ़ाई करते करते कंपनी एक टारगेट दिया था अचीव के, जैसा भी चल रहा है 18 स्टेप में थाईलैंड, उस टाइम भी चल रहा था 30 स्टेप में सिंगापुर, उसका मैंने अचीव किया। अगले साल सन 2005 सन 2006 इनकम क्या, 6.5 लाख, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, घर वाले के लिए 2-3 लाख रुपए उनको दिया, क्योंकि पहले 2 साल उनको नहीं दे पाया था। हेलो, समझा रहे? Yes. समझा रहे? Yes. अगले साल सन 2006 सन 2007 इनकम क्या, 11.5 लाख lakhs अचीव किया अपना स्कॉर्पियो कार फोर व्हीलर। अगले साल सन 2007 2008 इनकम क्या, 16 लाख महीना इनकम, 1.5 लाख अपने घर बनाने के लिए लगभग 10-15 लाख रुपए फैमिली को दिया घर बनाने के लिए, हाउस। हेलो, यस। अगले साल सन 2008-2009 इनकम क्या, 27 लाख यानी महीने इनकम 2 लाख। महीने इनकम 2 लाख। हेलो, समझ आ रहा है? यस। अचीव किया अपनी दूसरी गाड़ी स्कोडा ऑक्टाविया 15 लाख से, साथ में फॉरेन ट्रिप अचीव करने लगा थाईलैंड। अगले साल 2009-2010 इनकम क्या, 45 लाख। ये देखो आप स्मार्ट वैल्यू जब देता है कैसे झोली भर के देते हैं। शुरुआत में 1.5 लाख से 2.5 लाख करने के लिए 1 साल लगा था, 1 साल में इनकम कितना बढ़ा? 1 लाख। जब 2.5 लाख से 6.5 लाख हुआ इनकम कितना बढ़ा? 4 लाख। और जब 27 लाख से 45 लाख हुआ तो इनकम कितना बढ़ा? 1 साल में इनकम बढ़ गया 18 लाख। नौकरी में बढ़ता है 12,000 की तरफ से 14,000 होता है, 14,525 से 14,928 हुआ, बड़े खुश होते 400 रुपये में तनख्वाह बढ़ा है। हेलो, हेलो, यार ग्रोथ देख लो। इस साल कार की लिया, 2009-2010 फॉरेन ट्रिप किया था मैं हांगकांग मकाओ, मकाओ फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था, 37 माले होटल पे रखा था जहां शाहरुख खान से लेके सारे फिल्म स्टार रुके थे। 2010-2011 इनकम के 61 लाख, साल का महीने का 5 लाख बस। अचीवमेंट किया दुबई इस्तांबुल फॉरेन ट्रिप, समझ आ रहे? Yes. समझ आ रहे? Yes. साथ में पिछला साल में कुछ पैसा जमा हुआ था, उस साल 1 करोड़ रुपया देके आपने जबरदस्त फ्लैट खरीदा। हम लोग, मैं जब मेरा 16 साल तक उम्र था, पापा नौकरी करते थे सही, लेकिन घर की जिम्मेदारी बोझ इतना ज्यादा था, कलकत्ता शहर में जमीन खरीद कर घर नहीं बना पाए, हमारे पापा के पापा गरीब लोग थे वो लोग, इसलिए पापा का पास पुराना कोई जमीन या सेविंग्स नहीं था। 3 लोगों की परिवार, 3 भाई है हम लोग,
दोनों खर्चा दोनों इनकम करने का बाद भी मेंटेन नहीं होता था, क्यों शहर में रहना, खर्चा तीनों बच्चे की पढ़ाई होना, समझ आ रहा है? Yes! समझ आ रहा है? Yes! तो मैंने जब घर बनाया वो बिल्डिंग कैसा था, जैसे भोपाल इंदौर की बड़े बड़े सोसाइटी होती है, सिक्योरिटी गार्ड, 12-15 माले बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग की 10th फ्लोर पे जो फ्लैट बुक किया वहां से ईडन गार्डन दिखता है, हावड़ा ब्रिज दिखता है, घुसते ही वहां पर स्विमिंग पूल, जिम, हेलो समझ आ रहे हैं? Yes! टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, घुसते ही 4 सिक्योरिटी सलाम, हेलो समझ आ रहे हैं? नहीं आ रहे? Yes! लिफ्ट में भी ऐसी, जब उस बिल्डिंग की 10th फ्लोर में मेरे मम्मी को लेके गया, जब मैं जिस दिन रजिस्ट्रेशन किया, पूजा किया, उस दिन मेरे मम्मी रो दिए, बोले ये फ्लैट हम लोग का, क्यों? उससे पहले तक हम लोग अपना, मेरा मम्मी जिंदगी का 50 साल बिता दिया, 300 स्क्वायर फीट की घर, 300 स्क्वायर फीट घर की, उसकी बरामदा इतना छोटा सा था किचन कि उसमें गैस बिठाने का भी जगह नहीं था, क्योंकि एक सिलेंडर, एक ओवन फिर खड़े होके बनाएंगे, उसके लिए उतनी चौड़ाई तो होना चाहिए, 4 फीट का जगह था, इसलिए चूल्हे पे खाना पकाए 50 साल तक। पानी के लिए लड़ाई होती थी, पानी की नल पानी आता था, 10 किराएदार होते थे, पानी डिस्ट्रीब्यूट होता था। उसी घर का लड़का मेरे, जब मैंने जब फ्लैट लिया, मेरे घर की अंदर ही 18-20 नल थे, क्यों? बाथरूम में अलग नल, किचन में अलग नल, हेलो समझ आ रहे? नहीं आ रहा है? Yes! अलग अलग पर्सनल टॉयलेट, 4 बड़े बड़े रूम्स। अगले साल 2011 72 लाख, आखिर कब तक बर्दाश्त करेगा ये? महीने का 6 लाख, हेलो फॉरेन ट्रिप, लंदन, दिल वाले दुल्हन ले जाएंगे, देखते थे और सोचते थे हम तो देखते रह जाएंगे, लंदन ब्रिज, टेम्स नदी, क्लॉक टावर, हेलो समझ आ रहा है? हेलो yes! समझ आ रहा है? yes! अगले साल कब चीज आ रहा है देखा? तो पता पता, इसके बाद और भरपूर आने वाला है, हजम नहीं कर पा रहा हूं। 1.5 लाख हफ्ते का, महीने का 6 लाख, तो साल का 78 लाख होता है सीलिंग हर हफ्ते, प्लस 5 लाख ऊपर क्राउड एम्बेसडर, 5 किलो चांदी की बर्तन, हेलो समझ आ रहा है? yes! 5 लाख की गिफ्ट, साथ में फॉरेन ट्रिप, स्विट्जरलैंड, पेरिस। अगले साल 13-14 तब कंपनी बोनस लाना शुरू कर दिया, इसके बाद इनकम किया 97 लाख, इसके बाद मेरा प्रिंस अचीवर बोनस मिला 39 लाख, कमीशन 78 लाख, कुल मिला के 1,20,00,000, बोलो समझ आ रहे? yes! अगले फॉरेन ट्रिप पेरिस के बाद, स्विट्जरलैंड पेरिस के बाद, नेक्स्ट फॉरेन ट्रिप ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, मेलबोर्न, 100 रुपए में 144 बनाया था, हेलो समझ आ रहा है? गोल्ड कोस्ट। अगले फॉरेन ट्रिप साउथ अफ्रीका, केप टाउन, जोहान्सबर्ग, क्रिकेट देखते हैं। पिछले साल फॉरेन ट्रिप इटाली, वेनिस, जहां पर विराट कोहली शादी मनाने गया था, फ्लोरेंस, पीसा का हिला हुआ मीनार, सातवें अजूबे में से, हेलो समझ आ रहा है? रोम, ग्लैडिएटर लड़ाई होती थी। इस साल अगर फिर ग्रीस, तो पिछले 20 साल में शुरू किया था थाईलैंड, फिर सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, हांगकांग, मकाओ, लंदन, स्कॉटलैंड, इस्तांबुल, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इटली, अभी जा रहे ग्रीस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, इस साल जाएंगे, हेलो समझ आ रहे? तालियां तो ऐसे दे रहे जैसे पिपरिया, गडरवरा, जबलपुर, अरे मैंने घर लिया था 1 करोड़ का, ठीक उसके 2 साल बाद 2013 में तीसरा घर लिया, और तीसरा घर था लगभग जब मैंने लिया था 1,90,00,000, 2 करोड़ का, आज उसकी वैल्यू 3.5 करोड़ से ज्यादा, और उसकी बाथरूम में भी इन्वेस्ट किया हुआ। काफी लोग और ये सारे अचीवमेंट के साथ ही बहुत लोग, क्योंकि बहुत लोग मेरे फ्लैट में आए हैं जिनको पता है कोई फिल्म स्टार, कोई क्रिकेट स्टार का फ्लैट का जैसा है, समझ आ रहा है? yes! एक एक पेंटिंग 2-2, 3-3 लाख के होंगे, फॉरेन का तो फोटो वीडियो सब कुछ है, समझ आ रहा है? yes! hey, इधर आ जाओ,
इधर इधर मत देखो, तो समझ आ रहा नहीं आ रहा है? क्योंकि ये आया 15 साल में, ये इनकम 10 साल में आया, 5 साल में यहाँ तक पहुंचा, महीने का 1 लाख, महीने का 4 लाख में 10 साल लगा, और महीने का 10 लाख कमाने के लिए 15 साल लगा। और मेरे पापा बेचारे 30 साल नौकरी करके 24,000 रुपया से रिटायरमेंट ले लिया, रिटायरमेंट भी नहीं हो पाया, 6 साल पहले उसकी मौत हो गया उनके 54 एज में। क्यों? नौकरी की प्रेशर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, खाना घर में नहीं, पुलिस वाले महीने में 30 दिन में 22 दिन बाहर, हम लोग समझ आ रहे नहीं आ रहा है? Yes. रात रात ड्यूटी, नींद ठीक से नहीं, कितने दिन सॉरी शरीर लेगा प्रेशर? हेलो, समझ आ रहा है? एनीवेज, पिछले 15 साल में इस बिजनेस से 10-15 करोड़ से ज्यादा इनकम, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, अचीवमेंट हुआ, ये बड़ी बात नहीं है। आज मैं फॉरेन ट्रिप का बारे में आपको गिना रहा हूँ, और जस्ट पिछले बार मैं गया इंडोनेशिया, भूल गया कितने सारे कंट्री, अभी 2 महीने पहले इंडोनेशिया से आया बाली, वहां पर सिर्फ मेरे टीम का, मेरे फ्लाइट में 85 लोग सिर्फ मेरे टीम के थे। इससे पहले HPL4 मलेशिया मेरे टीम के 48 लोग थे, उसके पहले थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, आज मेरे टीम से ही पिछले 10 साल में मिनिमम 2000 लोग फॉरेन ट्रिप जाके आ चुके हैं, मिनिमम। मेरे पास कार है, बड़ी बात नहीं है, 2-3 कार, मेरे टीम में कहीं 100 लोगों ने ऑलरेडी कार खरीद चुके हैं, कम से कम मेरे टीम से 20,000 से ज्यादा लोग गोवा से लेके, गैंगटॉक से लेके, तैयार से लेके, केरला से लेके, सारे शिमला मनाली से लेके सारे ट्रिप किया है, मोर देन 20,000 पीपल, मोर देन 10,000 लोगों ने बाइक अचीव किया है, समझ आ रहा है? मोर देन 25,000 से 30,000 लोगों को हेल्थ बेनिफिट मिला है, हजारों लोग पढ़ाई करके करियर बनाया है, और आज तो वो लोग जो जुड़े हुए हैं, और सबसे वो लोग जो जुड़े हुए नहीं भी है, कहीं और कुछ भी कर रहा है, फिर भी एक SMS जरूर करता, दादा आज जो भी हूं बिकॉज ऑफ स्मार्ट वैल्यू ट्रेनिंग। जब आप लोग सिखाते थे तब समझ नहीं पाए थे, उम्र कम था, सपने में ड्रीम में खोए हुए थे, गर्लफ्रेंड में खोए हुए थे, और समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes. पर आज आप लोग का एक एक ट्रेनिंग जिंदगी में काम देता है। उस टाइम कोई बोलता है मेडिकल प्रॉब्लम के लिए नहीं कर पाया, फैमिली इश्यूज के लिए नहीं कर पाया, ये एक बड़ी उपलब्धि है। अगर 20,000 लोग अचीवर बने हैं स्मार्ट वैल्यू से, तो और 2 लाख लोग अचीवर बने दुनिया में कहीं ना कहीं से स्मार्ट वैल्यू ट्रेनिंग से, तो ये एज ए लीडर मेरे बहुत बड़ी उपलब्धि है, सेटिस्फेक्शन। मेरे गाड़ी नहीं, 10 लाख की इनकम नहीं, बंगला जितने बनाओ छोड़ के जाओगे, गाड़ी जितने लो छोड़ के जाओगे, पर जो छोड़ के जो रख के जाओगे, आपकी बदौलत, आपकी सपोर्ट, आपकी गाइडेंस, आपकी प्रेरणा से कितने लोग जिंदगी बना रहे हैं उसकी, ये सब। शुरुआत में मैंने बताया मेरा संघर्ष, अभी मैंने बताया मेरी सफलता, हर संघर्ष की एक सफलता की कीमत होती है। यस 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 Yes! तो याद रखो, अगर आप लोग आज कीमत चुका रहे हो, जैसे मैंने 2003 में चुकाया था शुरुआत में, आप चुका रहे, पहला 6 महीना 1 साल सभी को संघर्ष करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा। अगर बोलोगे मजबूत नहीं सर, नहीं होता है, नहीं सर लोग बना करते, जो रोएगा वो कामयाब नहीं बनेगा, और जो कामयाब बनेगा वो रोएगा नहीं। सचिन तेंदुलकर 16 साल की उम्र में जब पाकिस्तान के साथ खेलने गया, बॉल गया नाक से खून, सिद्धू अपोजिट में बोले चले जा बेटा 16 साल का है, मार देगा ये लोग तेरे को, दूसरे गेंद फिर वही जगह पे, और उसी तरीके से बॉल कर रहा था ताकि वो डर से भाग जाए, फिर गिर गया नीचे, फिर उसको बोला बेटा तू चले जा, जिंदा रहेगा तो क्रिकेट खेल पाएगा बाद में, और अच्छे ट्रेनिंग लेके फिर खेलने आना। सचिन बोलता मैं खेलेगा, मैं जाएगा नहीं। 16 साल का सचिन तेंदुलकर, और तीसरी बॉल 4 बाउंड्री की बाहर, दिस इज डिटर्मिनेशन, ये संकल्प। हेलो, समझ आ रहा है? ये सोच के हीरो बनूंगा, डायरेक्टर लोग का बस प्रोड्यूसर के बारे में तेरा हाइट देखा, तेरा चेहरा देखा, ये बड़े बड़े जुल्फे, कलर भी इतने गोरे नहीं, हाइट भी नहीं, बॉडी भी नहीं, फौजी सीरियल ले करेगा 400 रुपया रोजी, फौजी सीरियल शाहरुख खान की जीवन शुरू हुआ था, यूट्यूब में देख लेना, 400 रुपया रोजी मिलता था। बोलो समझ आ रहा है? जॉन अब्राहम बिपाशा बसु मॉडलिंग करने गया था, जॉन अब्राहम बोले मॉडल बनूंगा, बोले बनियान का ऐड करेगा। बोलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बॉम्बे की और लोग बोरीवली में
2000 रुपए का किराया में रूम लेके रहता था। बोले कितने दिन वो मुरमुरे खा के रात बिताए। Come on, hello, yes, success is not free, नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले ने दुनिया में 700 करोड़ लोग भेजा है, भारत में 125 करोड़ लोग भेजा है, सफलता होने के लिए सबको मौके दिए हैं, बट मौके को साकार करना आपकी मेहनत निष्ठा लगन से ही करना पड़ेगा। यस यस। और कितनी है दूसरी प्लेटफॉर्म में आप अकेले हो, दूसरी पढ़ाई अगर करने जाओगे दरवाजा बंद करके फोकस करके मोबाइल हटा के गर्लफ्रेंड हटा के पढ़ना पड़ेगा, करियर बनेगा 100%, दिन में 12-14 घंटा पढ़ने के लिए तैयार हो। हाँ, मिडिल क्लास करियर जरूर बनेगा। तो समझ आ रहे हैं? लाइफ कंपाउंडिंग नहीं होगा, लाइफ टाइम फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होगा, 10 साल के अंदर रिटायरमेंट लेना नहीं होगा, 60 साल तक रगड़ना पड़ेगा, पर एक स्टैंडर्ड करियर तो भी होगा अगर उतनी पढ़ाई करने के लिए तैयार हो। तो समझ आ रहे हैं? गाना गा के रो, बाथरूम सिंगिंग सब करता है, पर दिन में 10 घंटा कौन साधना करने के लिए तैयार है? वो रो। समझ आ रहे हैं? स्मार्ट वैल्यू में मेंटल फिक्स। हां, फर्क इतना है, गाने के लिए भगवान की दी हुई गला होना चाहिए, क्रिकेट में तेंदुलकर कोहली बनने के लिए ऊपर वाला दी हुई कुछ चीजें होनी चाहिए। चलो समझ आ रहे हैं? नहीं आ रहे? पर स्मार्ट वैल्यू, 10वीं में 2 बार फेल किया, अपने अंग्रेजी में अपने नाम लिखना नहीं आता है, वो लोग भी सिस्टम से टॉप अचीवर है। स्पेसिंग मिंटू बड़ोई पत्थर तोड़ता था, दुकान में 800 रुपए का किराने में काम करता था, फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। एक चीज फर्क पड़ता है, क्या थे आप फर्क नहीं पड़ता है, क्या बनना चाहते वो फर्क पड़ता है। आप एक चीज बोलो, आपको इन्वाइट करना नहीं आता है, हम लोग हैं। दादा कैसे करूं, हम लोग हैं। क्यों करो, ये आपको डिसाइड करना है। गरीबी में जन्म लिया, गरीब रह के मरना चाहूंगा, आपका चॉइस, हमारा चॉइस। जिंदगी ना मिलेगा दोबारा, आज जिंदगी में पढ़ाई में अच्छा और नहीं हो सकता हूं, क्योंकि 10वीं का